मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई स्टैंडअप के बाद. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. अब वर्क डन फॉर 7 ईयर्स आईटी में, 7 साल काम किया मैंने. और जब मैं आईटी में था ना तो मेरे ऑफिस में हर साल इवेंट्स हुआ करते थे जहाँ पे बाहर से बंदे बुलाते थे लड़ाई के लिए नहीं. हमारे एम्प्लॉय बड़े फुद्दू हैं, पीटो इनको आके. इवेंट के लिए उसमें एक टाइप ऑफ लोग आते थे, उन्हें हम कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर. सुना आपने उनके बारे में? वो होते ना, वो आते हैं फिर तुम्हारे मुंह पे कहते हैं कि देखो तुम्हारा काम है, तुम्हें ही करना पड़ेगा. मैं कहा ये बात हमारा बाप हर संडे फ्री बोलता है. और हम उसकी भी नहीं सुनते. अभी हमारी मम्मी उसको लाइक करती है. फिर मैं बन गया फुल टाइम कॉमेडियन. फिर पता लगा हमारे ऑफिस में जो आता था मोटिवेशनल स्पीकर, वो साले स्कैम थे. और मुझे किस दिन कंफर्म होगा स्कैम है, क्योंकि आजकल कॉलेज के बच्चे मुझे इनवाइट कर रहे हैं. मुझे टेडएक्स टॉक के लिए ईमेल्स आती हैं, सर यूथ को इंस्पायर करो. यूथ आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता है. और ये वाली ईमेल मैंने दोपहर के 2:30 बजे छाती पर लैपटॉप रख के पढ़ी है. कहते सर यूथ को इंस्पायर. मैं कहा सालों मेरी बात कर रहे हो क्या? यूथ को इंस्पायर. मैं सोच रहा हूँ यूथ का मोरल इतना क्या डाउन हो गया कि बात सीधा मुझ पर आन पहुंची है. समझ रहे हो, संदीप महेश्वरी के पास सीधा मैं. ट्रू स्टोरी. एक आईटी कंपनी से फोन आया, कह रहे हेलो. मैं क्या हेलो, कह रहे सर मोटिवेट कर दो. मैं क्या कह रहा कर दो? तो हमेशा ईमेल आती थी, हम ना बोल देते थे. इस बार फोन आया, मैं ना बोल ही नहीं पाया. ईमेल पे ना बोलना आसान होता ना, ईमेल पे कुछ बोल दो. आई हैव अ कॉन्फिडेंशियल मीटिंग अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा. फोन पर ना बोलना मुश्किल होता है. मैं जनरली भी ना नहीं बोल पाता, मेरे से ना बोला ही नहीं जाता. बचपन में एक बार डैडी ने पूछा था, हम बेवकूफ है तेरी फीस भर रहे हैं, मुझसे ना नहीं बोला जाता यार. और दूसरा ना, मेरे मन के अंदर हमेशा एक आवाज होती है जो कहती है पकचोदी करके देख. मैं किसको मोटिवेट करना, कह सर इंप्लॉयज को. मैं कह सेशन कहां पे, कह सर ऑफिस में. मैं कह ऑफिस कहां पे, कह सर गवाल पहाड़ी गुड़गांव फरीदाबाद रोड. लोगों को नहीं पता होगा बता देते, ये पड़ता है नोएडा, ये पड़ता है दिल्ली, ये पड़ता है गुड़गांव. उसके बाद वो एरिया जहाँ कपल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे पपियाँ करने, उसके बाद गुड़गांव का किडनैपिंग वाला एरिया, उसके बाद शुरू होती है अरावलीज. पढ़ा है ज्योग्राफी में अरावलीज? हाँ. तो लोग उसके बीच में फूतों की तरह ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं. मुझे कहते थे सोमवार की सुबह इतनी दूर आके हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो. मैं कहा सालों अगर तुम्हारे एम्प्लॉयज रोज वहां तक आ रहे हैं तो वो काफी मोटिवेटेड हैं. बिना मोटिवेशन कौन जाते जंगल में नौकरी करने? वहां लोग गूगल मैप पे मार्जिन लेके निकलते हैं कि ट्रैफिक मिल सकता है और लकड़बग्गे भी. मुझे कह रहे वो है जो इतनी दूर है, वहां पे ना एक बार एक कैब वाला किडनैप हो गया था. वो इकलौता आदमी किडनैप होने के बाद भी गाड़ी खुद चला रहा है. मुझे कहते सर सोमवार की सुबह इतनी दूर आके हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो. मैं कहा सालो मैं फ्रीलांसर हूं, मैं दोपहर में उठता हूं, मैं आज के दिन में 3 बार सो चुका हूं. मेरी लाइफ बहुत चिल है. मेरे घर में 2 लोग रहते हैं, मैं और पत्नी. वो जाती है जॉब पे, मैं पड़ा रहता हूँ. मेरी दिन के टाइम अकेले रह के लाइफ इतनी चिल हो गई है कि अगर मैं नहाने जाऊं और तौलिया बाहर रह जाए कोई लोड नहीं. छाती चौड़ी करो, निकलो बाहर. अगर बाय चांस कोई बाहर खड़ा है मतलब वो चोर है, उसका देखना बनता भी है. दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई नो ये वीडियो काफी छोटी थी, उसका रीजन ये है कि ये पूरा शो जो है ना ऑलमोस्ट 1 घंटे का शो, मेरा पहला कॉमेडी स्पेशल, इट इज लाइव ऑन Amazon Prime Video. यस, शो का टाइटल है कोई लोड नहीं. प्लीज गो टू Amazon Prime Video एंड ये शो सर्च करो एंड डू वॉच इट. शेयर करो दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर करो, बिकॉज काफी बढ़िया शो बना है. एंड ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट मैं अगली वीडियो डालू आपको पता लग जाए. एंड आई एम ऑन Instagram @lifeofpaji, जहां पे आप लाइव अपडेट्स और अगले लाइव शोज के बारे में पता कर सकते हो. And but do watch the comedy special. It's called Koi Load Nahi. It's on Amazon Prime Video. Streaming now. Thank you so much.